Hey guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So in today's video, I'm going to make a review video on a product which is on a high demand nowadays. So I thought to try that product and make a review video on that product. So instead of taking a lot of your time, let's get into the video. So this is the product which I'm talking about. That is onion hair oil, which is from Wow Skin Science. Here they have written this is non-sticky, non-greasy hair oil for silkier and stronger hair. Okay. Let me discuss something about this. So they say this is non-greasy, non-sticky. Okay. So for this, I'm going to give them 10 out of 10 or 100 out of 100. Actually, this is non-greasy, non-sticky. जिसे first apply किया मुझे लग रहा था सच्ची में greasy होगा, greasy sticky होगा, लेकिन ये सच्ची में non-greasy है। मैं last 5 years से DIY hair oil use कर रही हूँ और जब भी मैं hair में लगाती थी मुझे लगता था कि मैंने पता नहीं अपने बालों में क्या लगा दिया। सच्ची में मुझे बहुत ज्यादा ग्रीसी था वो, जो मैं DIY यूज करती थी सच्ची में वो हेल्पफुल था बट थोड़ा सा ग्रीसी था। लेकिन दिस प्रोडक्ट इज नॉन ग्रीसी, एक्चुअली दिस इज नॉन ग्रीसी एंड दे से ये आपको हेयर फॉल में भी हेल्प करता है। तो इसके लिए भी मैं इन लोगों को बहुत ज्यादा थैंक बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। मैंने बस इसे 1 month हुआ यूज कर रही हूँ और मुझे मेरे हेयर फॉल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस कर रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैं इन लोगों को सच्ची में 10 out of 10 दूंगी। हाँ, और मैंने बस 1 month इसे यूज किया फिर भी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और अगर मैं इसे कंटिन्यू करूंगी तो मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू ट्राई दिस हेयर ऑयल, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू यूज दिस एटलीस्ट फॉर वंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस नोटिस आएगा आपको आपके हेयर में। हाँ, वन मोर थिंग, मैंने जब इसको पहले टाइम फर्स्ट से मैंने इसको यूज किया था तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट मेरे लिए उठा लिया जो मेरे हेयर टाइप को सूट नहीं कर रहा है। दिस इज बिकॉज क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये हेयर ऑयल अप्लाई किया था उसके बाद मैं कॉम कर रही थी और मेरे हाथ में इतने सारे बाल, मुझे नहीं पता इतने सारे बाल होता है। लेकिन उस दिन मैंने बहुत सारा हेयर फॉल देखा था तो मुझे लगा था मैंने कुछ गलत लगा लिया अपने हेयर में। फिर भी मैंने हिम्मत करके नेक्स्ट डे इसको यूज किया तब मैंने देखा कि सेम ऐसा ही हेयर फॉल होता है। तो मुझे सच्ची में तब लगा कि नहीं मैं इसे यूज नहीं करूंगी, आई वोंट अप्लाई दिस हेयर ऑयल टू माई हेयर क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है मेरे को। फिर माई मॉम सेड कि एक दिन में तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब तो टकली से एकदम की एकदम गंजी से एकदम की एकदम तेरे सर में बाल आ जाएंगे। हाँ मम्मी सही बोल रही, एक दिन में तो मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने नेक्स्ट डे लगाया, जब मैंने नेक्स्ट डे लगाया तब मेरे को इतना ज्यादा हेयरफॉल नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी तब इसको 2 times लगा चुकी थी। फिर जब मैंने धीरे 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 1 month मैंने कंप्लीट किया, आज मेरा 1 month कंप्लीट हुआ, शायद मैंने कल हेयर वॉश किया, यस मेरा शायद आज 1 month कंप्लीट हो गया। तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा मैंने हेयर फॉल पे नोटिस किया डिफरेंस, मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था। मेरी मम्मी को भी हेयर फॉल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मैंने मम्मी को भी बोला कि ये कुछ ग्रो करनी है। एक्चुअली इससे पहले कुछ और हेयर ऑयल और ब्रांड का हेयर ऑयल यूज करती थी, वो वाला हेयर ऑयल भी मम्मी को सूट करता था, पता नहीं मेरी मम्मी को पाल थी और सब कुछ सूट कर देता, स्किन में भी सब कुछ सूट कर देता जो मेरे को नहीं पता। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये हेयर ऑयल यूज करके। तो मैं आप सबको सच्ची में सजेस्ट करूंगी कि एक बार के लिए यूज कर लो, आपको आपका हेयर का डिफरेंस देख के आप इसे कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मैं भी हूँ इस पागलपन में जो कंटिन्यू करने वाली हूँ इस हेयर ऑयल को। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूज दिस हेयर ऑयल। पहले मैं ये तो दिखा लेती हूँ कि कैसा आता है। ये है आपका हेयर एप्लीकेटर, ये है आपका हेयर ऑयल।
आप लोगों को दिख रहा होगा इतना सा यूज किया, तो आप लोग सोच रहे होंगे इसने 1 महीने कैसे यूज किया इसे, उसमें भी कहानी है। आई ऑर्डर दिस वन फ्रॉम पर्पल एंड फ्रॉम नायका बोथ। मुझे नायका का पहले आ गया डिलीवरी, तब लॉकडाउन था तो कुछ तो मैंने मेरे पास नायका का डिलीवरी फर्स्ट हुआ था, तो मैंने नायका से पहले स्टार्ट कर दिया। वो वाला बॉटल मम्मी भी यूज़ कर रही है अभी, इसलिए मम्मी के पास है, तो मैंने ये उठा के लेके आ गई जो पर्पल का है मेरे पास। तो पता नहीं लॉकडाउन का कुछ इशू होगा, इसलिए जो पहले मिला वही मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसे हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, करके इसको लगाना है। लगाने के बाद आपको अपने हेयर में ऐसे मैंने बस कल ही हेयर वॉश किया, तो मैं आप लोग को साइड में कहीं पे दिखा दूंगी इसे कैसे आप लोग अपने बालों पे लगा सकते हैं इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ हेयर कॉम एप्लीकेटर। एंड आप लोग इसके मदद से भी यूज कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। सो द की इंग्रेडिएंट इन दिस ऑयल आर स्वीट आलमंड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, मैरोकन अर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑनियन सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, लेमन ऑयल एंड विटामिन ई। वाओ, सो मेनी थिंग्स। सो आई हैव शेयर्ड माय रिव्यू एंड ओपिनियन अबाउट दिस हेयर ऑयल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। You know the drill, like, share, comment and subscribe to my channel and hit on the bell icon so that you get notified every time when I upload a video. Bye bye.